हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइव का यूनिट 5 जो है द स्नैक एंड द मिरर, इसको हम कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो द स्नैक एंड द मिरर, एक सांप और एक शीशा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ बातें जो हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आपको स्वयं को शीशे में देखना पसंद है। वाट डू यू थिंक अबाउट एट सच थिंग्स, आप ऐसी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। हैव यू एवर सीन अ डॉग और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर, क्या कभी आपने किसी कुत्ते को या किसी पंछी को शीशे में खुद को देखते हुए देखा है। वट डू यू थिंक इट सीज, आपको क्या लगता है ये क्या देखते हैं। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नैक एंड अ मिरर। अब इस एक मज़ेदार कहानी जो है, एक डॉक्टर, एक सांप और एक शीशे के बारे में इस मज़ेदार कहानी को पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी को, क्या होता है कि कैसे एक डॉक्टर जो है वो कहानी सुनाता है कि एक सांप जो है उसके कंधे पे गिरता है और फिर उसके आंख में लिपट जाता है, खुद को शीशे में देखता है और शायद मोहित हो जाता है ना। ये ऐसी कुछ कहानी है, मज़ेदार कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। हैज़ अ स्नैक एवर कॉइल्ड इट सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या कभी कोई सांप जो है कभी आपके शरीर के किसी भी हिस्से में खुद लिपटा है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरा खूनी सांप कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, जो प्रश्न था वो एक होम्योपैथी के डॉक्टर जो थे उनके यहाँ से आया कि क्या कभी आपके शरीर में कोई सांप कभी लिपटा है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक, जो टॉपिक था वो कब सामने आया जब हम लोग एक सांप के बारे में डिस्कस बातें कर रहे थे। बी लिसन अटेंटिवली, हम लोग लिसन सुनने लगे, कैसे ध्यान पूर्वक सुनने लगे। एट द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, जब डॉक्टर ने अपनी जो टेल थी, कहानी थी, उसे बताई तो हम लोग उसे ध्यान पूर्वक सुनने लगे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यह गर्मियों की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने रेस्टोरेंट में अपना मील, अपना भोजन किया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने वापस रूम जो था लौट आया था। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने ऊपर से कुछ शोर सुना। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने अपना दरवाज़ा खोला, मैंने ऊपर से कोई शोर सुना। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, जो साउंड था, ध्वनि थी, वो जानी पहचानी थी। वन कुट से कोई ये कह सकता था दैट की द रेट्स एंड आई शेयर द रूम, चूहों ने और मैंने उस कमरे में क्या किया था, हिस्सेदारी की थी। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने अपनी माचिस की जो डिब्बा था उसे निकाला। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पे रखे हुए केरोसिन लैंप को लाइटेड जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो घर था उसमें इलेक्ट्रीफाइड बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक ये एक छोटा सा कमरे का किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी अभी जो मेडिकल प्रैक्टिस थी वो सेटअप शुरू की थी। एंड माई अर्निंग, और जो मेरी कमाई थी वर मीजर, वो बहुत थोड़ी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में
₹60 थे अलोंग विद सम, और इसके साथ ही सम शर्ट्स एंड धोतीस, कुछ शर्ट्स थी और धोती थी। आई ऑल्सो परचेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, मेरे पास एकमात्र एक काला कोट भी था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जो मैं उस समय वियरिंग पहना करता था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने काले कोट को टुक ऑफ उतारा, वाइट शर्ट्स अपने सफ़ेद शर्ट को उतारा, एंड नॉट सो वाइट और थोड़ा कम सफ़ेद वेस्ट जो बनियान थी उसे उतारा, एंड हंग देम अप और उन सबको टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की दो जो खिड़कियाँ थी उनको ओपन खोला। इट वॉज एन आउटर रूम, ये एक बाहरी कमरा था, विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी जो एक दीवार थी वो खुले मैदान आंगन में खुलती थी, जुड़ी थी। इट हैड अ टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, इसका एक खपरेल का टाइल रूफ, खपरेल का छत था, जो एक त्रिभुजाकार सपोर्टिंग, जो एक बंदी लगी हुई थी उससे, सॉरी, इट हैड अ टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, एक त्रिकोणाकार जो सपोर्ट लगा हुआ था उससे, उसका एक खपरेल वाला छत था, दैट रेस्टेड ऑन अ बीम, जो एक बीम पे ओवर द वॉल, दीवार की एक बीम पे टिका हुआ था। देयर वॉज नो सीलिंग, इसमें कोई अंदर का छत नहीं था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड टू एंड फ्रॉम द बीम, और उस बीम पर लगातार जो चूहों का यातायात था, ट्रैफिक था, इधर उधर होता रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना जो बेड था, बिस्तर था, उसे लगाया और इसे क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास खिसकाया, पुल किया। आई ले डाउन, मैं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन सो नहीं सका। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं उठा और थोड़ी हवा लेने के लिए बरामदे में गया। बट लेकिन द विंड गॉड, जो पवन देवता थे, सीम टू बी हैव टेकन टाइम ऑफ, ऐसा लगा कि उनका जो समय था वो पूरा हो गया था। आई बेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे में गया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट द बुक, मैंने टेबल के बीनीथ नीचे रखे हुए बॉक्स को ओपन खोला, एंड टुक आउट अ बुक, वही किताब को निकाल लिया, द मैटेरिया मेडिका, किताब का जो नाम था मैटेरिया मेडिका, किताब को निकाल लिया। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, मैंने इस किताब को खोला, एट द टेबल, उस टेबल पर जिस पर जो लैम्प रखा था, एंड अ लार्ज मिरर, और एक लंबा, एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, एंड स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और शीशे के बगल में ही एक छोटा सा जो कंघा था वो पड़ा हुआ था। वन फील्स टेम्पेड टू लुक इन टू अ मिरर वेन इट इज नियर वन, हर कोई जो है वो आकर्षित हो जाएगा या हो जाता था, टू लुक इन टू द मिरर, मिरर में देखने के लिए, जब ये उसके पास रखा हो, हर कोई जो है, अगर मिरर जो है, शीशा उसके पास रखा है तो उसमें देखने के लिए उत्सुक हो जाता है। आई टुक अ लुक, मैंने एक झलक देखी, इन दोज डे, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदरता का बड़ा कहता था, प्रशंसक था, एडमायरर था, एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं खुद को हैंडसम दिखने में या दिखाने में भरोसा रखता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था।
आई फेल्ट, मैंने ये महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रजेंट फेल्ट, कि मेरी जो उपस्थिति है वो मुझे दिखानी पड़ेगी। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघे को उठाया, एंड रन इट थ्रू माई हेयर, और उसे अपने हेयर बालों में रन फिराया, एंड एडजस्ट द पार्टिंग, और अपनी जो मांग थी उसे एडजस्ट किया, संवारा, सो दैट, ताकि इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ये सीधी और साफ दिखने लगी। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर से मैंने ऊपर से एक ध्वनि को सुना। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने दर्पण में अपने चेहरे को पास ले जाकर निहारा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड सेव डेली, कि मैं रोजाना सेव करूँगा, दाढ़ी बनाऊँगा, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए पतली मुस्टैच मूछों को बढ़ाऊँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, आखिरकार मैं कुमारा था और एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर में लुक देखा और स्माइल्ड और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बड़ी मनमोहक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने फिर से एक धरती को हिला देने वाला निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैंने निर्णय लिया कि मैं ये जो मनमोहक मुस्कान है वो हमेशा अपने चेहरे पे रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक हैंडसम दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इस अट्रैक्टिव मुस्कान को अपने चेहरे पे रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और सबसे बड़ी बात कि मैं एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, और फिर से ऊपर से वही शोर आया। आई गॉट अप, मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और कमरे में टहलने लगा, अप एंड डाउन टहलने लगा। देन उसके बाद अनदर लवली थॉट स्टक मी, एक लवली थॉट, जो खूबसूरत सा विचार था वो मुझे आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, उसने कहा कि मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी होगी। सी हैड टू बी फैट, उसे मोटा होना होगा, फॉर अ वैलिड रीजन, मेरी पत्नी को एक निश्चित कारण से, ठोस कारण के कारण उसे मोटा होना होगा। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, कि यदि कभी मैं कोई सिली मिस्टेक, छोटी मोटी गलतियां कर दूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और भागना चाहूं, या नीडेड टू रन अवे, भागने की जरूरत पड़ी, सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वह मेरे पीछे भागकर मुझे पकड़ नहीं पाई। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, इन विचारों के साथ मेरे मस्तिष्क में, इन विचारों के साथ आई रिज्यूम माई सीट, मैंने फिर से मेरी जो सीट थी उसे ग्रहण की। इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने पड़ी हुई जो चेयर थी उस पर मैंने अपनी सीट को फिर से रिज्यूम ग्रहण कर लिया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर कोई भी साउंड नहीं था, ध्वनि नहीं थी। सडनली, अचानक से, देयर केम अ डल थड, अचानक से एक क्या है, डल थड, धीमी भद्द की आवाज़ आई, एज जैसे इफ अ रबर ट्यूब हैड फैलन टू द ग्राउंड, जैसे एक रबर की जो ट्यूब हो वो जमीन पे गिर पड़ी हो।
श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो, तब भी आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मुझे मुड़कर टेक अ लुक देखना चाहिए। नो सूनर हैड आई टर्न देन, नो सूनर जैसे ही आई टर्न में मुड़ा, देन अ फैट स्नैक, तो एक मोटा सा सांप रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर कुर्सी के पीछे रेंग करके एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधों पर आ गया। द स्नैक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस, एक साथ हुआ, सांप का उतरना और मेरा मुड़ना दोनों ही एक साथ हुआ। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट वन, जिसमें 1-2 हमने 6 पैराग्राफ को कवर किया है कि कैसे जो डॉक्टर था, कहानी बताता है कि जब वो एक छोटे से रेंट रूम में रहता था तो कैसे उसने अपने सामने जो शीशा रखा था उसमें खुद को देखा और सोचा कि वह क्या करेगा, अपने रोजाना सेव करेगा, पतली मूछों को रखेगा और अपना एक खूबसूरत सी स्माइल अपने चेहरे पे रखेगा, क्योंकि वो एक कुमारा था और एक डॉक्टर भी था, है ना। साथ में उसने ये भी सोचा कि वो एक मोटी महिला से शादी करेगा ताकि कभी वह गलती करे और भागे तो वह उसे कभी पकड़ ना पाए, है ना। तभी उसे एक धीमी सी भद्द की आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा पीछे जो है एक सांप जो था वो उसके कंधे पे, कुर्सी के ऊपर रेंग कर उसके कंधे पर आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।